उमर एक्सपेरिमेंट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गुलाल गंज, जो कि इस बोतल से बनाने वाले हैं। तो होली आ रही है और काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी हमें कुछ चीज़ों की। तो यहाँ पर देख सकते हो तो पीवीसी पाइप है, और जो टंकी का आ गई ये लगता है टोटी सी, तो ये है, और एमसील और चिपकाने के लिए ये लेने आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वाल बॉडी चाहिए जो साइकिल की रहती है, तो हम जो है इसे बोतल के पीछे लगाएंगे ताकि हम इसमें एयर प्रेशर भर सके पंप की मदद से। तो चलिए जल्दी से जो है जल्दी यहाँ पर एक देख सो, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मैंने इसे कस लिया है। तो इसे जो है आप धागे की मदद से बोतल के अंदर से निकाल सकते हो, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम जो है इसमें आगे पाइप लगाने वाले हैं, तो पाइप को जो है हमें कुछ इस हिसाब से कट करना होगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, तो छोटा ही रखेंगे, तो इतना मैं जो है अपने हिसाब से कट कर लेता हूँ। तो चलिए जल्दी से जो है इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है पीवीसी पाइप जो है पिघलाकर यहाँ पर आगे लगा लिया है, और सारा काम जो है इसमें हो चुका है। तो अब क्या करना है, जो एमसील है उसे जो है मिक्स करके इन कोनों पर लगा देंगे ताकि ये जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए। और ध्यान ये रखना है बस इसमें कि ये जो है बोतल है ये लीकेज ना होनी पाए, क्योंकि सारा जो खेल है इसमें लीक का है। अगर यहाँ पर जरा सी भी एयर लीक करती है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो इसमें जो है मैंने म्यूज़िक इतना इस वजह से लगा रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको देखने में भी काफ़ी मज़ा आए। तो चलिए जल्दी से जो है इसका सारा काम ख़त्म करते हैं।
पर देख सकते हो हमारी जो गुलाल गले हैं वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। जो ये एमसील है ये सूखने में काफ़ी समय लगता है, तो इसे जो है 4-5 घंटे के लिए हम सूखने के लिए रख देंगे, फिर जो मैं आपको सिंपल टेस्टिंग करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो गुलाल गले हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब जो है मैं यहाँ पर एक पंप लेता हूँ और इसमें जो है हवा भरकर जो है इसमें गुलाल लगाकर उड़ाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है बोतल को लगा दिया है पंप में, यहाँ पर देख सकते हो। तो ऊपर का जो इसका स्विच है उसे बंद ही करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब जो है इसमें हवा भरते हैं, तो ध्यान रखें ज़्यादा हवा ना भरें क्योंकि बोतल फटने का भी डर हो सकता है। तो बस आप 5-6 बार जो है इसमें पंप लगा सकते हो। यहाँ पर देख दो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ये लग चुकी है। तो अब यहाँ पर गुलाल भरता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो गुलाल ये ले लिया मैंने और इसके ऊपर भरेंगे। तो बोतल के अंदर भी भर सकते हो लेकिन बोतल के अंदर से नहीं निकलने वाला, जो ऊपर रहेगा गुलाल तो आसानी से जो है निकल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं ज़्यादा नहीं भर रहा हूँ इसमें। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, होली पर आप इसे बना सकते हो, ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो ये देखो, अब जैसे मैं ओपन करूँगा इसे ये देखो एकदम से जो गुलाल है वो आपको दिखा भी नहीं, जो ऊपर ही सारा उड़ गया। तो मैं अच्छी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इसे दिखा देता हूँ अलग अलग सीन से।